जम्बूसर पालिका के प्रमुख के पति तथा चीफ अधिकारी के बीच विवाद पैदा होते हुए और दोनों के बीच झगड़ा घटित होने के बीच राजकीय माहौल में चर्चा ने जोर पकड़ा है। भरूच जिला के जम्बूसर पालिका के प्रमुख के पति और चीफ अधिकारी के बीच बवाल पैदा होते हुए राजकीय माहौल में एक चर्चा का विषय बना है, जिसमें चीफ अधिकारी योगेश गणात्रा जम्बूसर रेफरल अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया है। पालिका प्रमुख भावना बेन रामी के पति भावेश रामी ने हमला करने के गंभीर आरोप के बीच चर्चा का विषय बना है। जम्बूसर के चीफ अधिकारी पर महिला प्रमुख के पति द्वारा जानलेवा हमला किया गया, जहां 2 महीने पहले महिला प्रमुख के पति प्रमुख बनने के बीच नगर पालिका का वहीवट करने का विवाद गठित हुआ था, जिसके विरोध में जम्बूसर नगर पालिका के चीफ अधिकारी योगेश गणात्रा ने महिला प्रमुख के पति भावेश रामी नगर पालिका के कार्य में दखल अंदाजी कर वहीवट कर रहे होने की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज करवाई थी, जिसकी अदावत को ध्यान में रखते हुए चीफ अधिकारी कार्य के चलते जम्बूसर भागोर स्थित निकले थे। दौरान नगर पालिका प्रमुख भावना बेन रामी के पति द्वारा चीफ अधिकारी के साथ वाद विवाद गठित करने के बीच बाद आवेश में आकर पति की गुंडागर्दी दर्शाते हुए आमने सामने आकर जानलेवा हमला किया गया, जो ये हमले में चीफ अधिकारी गंभीर रूप से घायल होते हुए उन्हें जम्बूसर रेफरल अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो वही इस संदर्भ में वडोदरा के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाने के चलते पुलिस थाने शिकायत दर्ज करवाते हुए पुलिस ने इस संदर्भ में सघन कार्यवाही का दौर जारी किया था।